नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। पूरा देश आजादी दिवस मना रहा है, जोश बहुत हाई है। चुनौतियां भले ही ज्यादा हों, लेकिन कम से कम आज के दिन जोश में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आज तक की टीम एलओसी के हाजीपीर इलाके में पहुंची। देखिए हमारे सहयोगी अशरफ वानी वहां से लेकर आए हैं जोश और जज्बा भर देने वाली ये तस्वीरें। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और यहाँ पर कई जगहों पर भारत और पाकिस्तान के बीच आज भी गोलीबारी हो रही है। यहाँ पर कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ जो है गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी। ये जो जवान हैं इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे जब ये गोलीबारी थोड़ी देर रुकेगी। जी यहाँ पे CFB होती रहती है और यहाँ पे जो हम फायर कर रहे हैं वो हमारे सामने एनिमी पोस्ट है, तो वहाँ से वो इन्फिल्ट्रेशन फैसिलिटेट करते हैं, तो उसी को रोकने के लिए हम फायर करते हैं। पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर पाकिस्तानी सेना की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग जगहों पर जो हैं इसी तरह अंडरग्राउंड जो हैं अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर सर्वेलेंस यानी निगाह और नज़र रहती है दुश्मन यानी पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर। SVL जो है सर्वेलेंस सेंटर जो है इसके भीतर चलूँगा, करीब ज़मीन के 60 से 70 फुट नीचे ये जो है ये ऑपरेशन रूम है। यहाँ पर आज जनरल साहब भी आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। दरअसल आगे जो ये मॉनिटर्स लगे हैं इन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है सेना के जवान ये पाकिस्तान के जो पोस्ट्स हैं सेना के पोस्ट्स उन पर 2400 घंटे जो है नज़र रखते हैं वहाँ पर क्या गतिविधि होती है। आप अगर इस पोस्ट को देखेंगे ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट है और इस पे जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई हुई है उसमें ये हिस्सा उसका जो है एक गोले से तबाह हुआ है और उस पर अब कोई बोरा लगाया गया है, लेकिन है ये पाकिस्तानी सेना का पोस्ट। देखिए मेन फोकस हमारा है लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना। उसके लिए ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस ग्रिड को एस्टेब्लिश करना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सर्वेलेंस का ये मतलब नहीं कि एक आदमी दूरबीन लेकर किसी झाड़ी के पीछे बैठा है। हम उसमें ग्राउंड सर्वेलेंस, एरियल सर्वेलेंस ताकि हवा से सर्वेलेंस, ऑप्टिकल रडार से सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, इस पूरी सर्वेलेंस को एक कोऑर्डिनेट तरीके से किया जाता है। कोऑर्डिनेट तरीके से सर्वेलेंस करने का फ़ायदा ये है कि अगर हमें कोई भी हरकत दुश्मन की नज़र आती है तो एक तालमेल के साथ उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाती है जो भी अप्रोप्रिएट देखा जाता है। आप मानेंगे अगर आप किसी एरिया के ऊपर लगातार 2400 घंटे हर साल आप निगरानी रखे हुए हैं तो कोई भी चीज़ अगर अलग होती है आपको उसका इंडिकेशन मिल जाता है और वो इंडिकेशन काफ़ी होता है हमारे पास में अपने बाकी जो सर्वेलेंस के आले हैं जो बाकी ट्रुप्स हैं उनको अलर्ट करने के लिए और पोजिशन करने के लिए। ये जो आप कैमरे में ये तस्वीर देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है और हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक अंडरग्राउंड बैंकर में है। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में अब बड़े हथियारों का इस्तेमाल भी होता है। पहले मशीन गनों का इस्तेमाल होता था, मोटर्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आर्टिलरी के भी अलग अलग जो बंदूकें हैं या गन्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो ये गन रखी गई है ये एक बैंकर में रखी हुई गन है ताकि जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई गोलीबारी हुई उसका जवाब जो है इन इस तरह की गोलीबारी से यहाँ से किया जाए और दुश्मन को भनक भी ना हो। दरअसल पाकिस्तान को ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये आर्टिलरी गन जो है ये कहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ से जो है ये उन पर कार्रवाई की जाती है। नियंत्रण रेखा पर हम इस वक्त उस इलाके में खड़े हैं जो सबसे ज़्यादा हिसास भारत और पाकिस्तान के बीच माना जाता है। हम इस वक्त हाजी पीर के इलाके में हैं। दरअसल मेरे सामने जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये हाजीपीर इलाका है और इन जंगलों के आगे क्योंकि पाकिस्तानी पोस्टों से छुपने के लिए हम इस जंगल की आड़ में हैं और आगे जितनी भी पहाड़ियां हैं इन पर पाकिस्तानी सेना के पोस्ट हैं और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होता है सबसे ज़्यादा जो
गोलीबारी होती है वो इसी इलाके में होती है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं कि यहाँ से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर पुंछ है और एक ज़माने में यही रास्ता कश्मीर को पुंछ के साथ जोड़ता था और 47 से पहले जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं थे तब यही मुख्य रास्ता था कश्मीर को पुंछ से जोड़ने के लिए और अभी भी वो सड़कें मौजूद हैं। ये ड्रोन कैमरा है जो आपको यहाँ दिखेगा, इसी तरह के ड्रोन कैमरा जो हैं पोस्ट्स पे लगाए जाते हैं ताकि दुश्मन की हरकतों पर नज़र रखी जाए। क्योंकि मैं अपने कैमरामैन को यहाँ अपने साथ ले चलूँगा, वो आपको दिखाएगा कि पाकिस्तानी इलाका यहाँ पर कहाँ शुरू होता है। दरअसल जो ये बाउंड्री आप देख रहे हैं ये इसलिए यहाँ पर इतनी ऊंची रखी गई है ताकि दुश्मन को हरकतों दुश्मन को नज़र न आए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी निगरानी कर रहे हैं। और इस दीवार के बाद ये सभी पहाड़ी इलाका जो है जहाँ पर ये ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है ये पूरा पाकिस्तानी इलाका है और 24 घंटों यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तनाव बना रहता है और हर हरकत पर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर निगाहें टिकाई रहती हैं और जब भी कहीं से भी कोई गोलीबारी होती है पाकिस्तान से उसका जवाब भारतीय सेना मुंह तोड़कर यहां से ही देती है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाइन ऑफ कंट्रोल आज तक। तो सरहद पर सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं हमारे सैनिक। और अब आपको दिखाते हैं सांबा सेक्टर की भी तस्वीरें, वहां की भी रिपोर्ट देखिए। देश आज स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। देश आज वीर जवानों की शहादत को नमन कर रहा है। देश आज वतन पर मन मिटने वाले रणपांकुरों को याद कर रहा है। अगस्त के खास मौके पर जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है तब सरहद पर हमारे जवान अभी भी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। आज तक संवाददाता सुनील भट्ट जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जवानों के बीच पहुंचे। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। इस समय मैं मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू संभाग के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में और आज समूचा देश जो है स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही खुशी हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मना रहा है। और यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे बहादुर बीएसएफ के जो जवान हैं इस समय कड़ी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि दुश्मन जो है हमेशा इस फिराक में रहता है कि वो कोई हिमाकत करे, कोई दुस्साहस करे। तो यहाँ पर बीएसएफ के जो जवान हैं, बहादुर जवान, बिल्कुल चौकसी कर रहे हैं। एक तरफ देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे बहादुर बीएसएफ के जवान जो है निगरानी कर रहे हैं। और ये जो इलाका है काफी दुर्गम स्थान है और यहाँ पहुंचने में भी हमें काफी समस्या उठानी पड़ी। दो जगह तो हमारी गाड़ी ने भी जवाब दे दिया, तो आप समझ सकते हैं कि काफी दुर्गम स्थान है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है हमेशा इस फिराक में रहता है कि वो घुसपैठ करवाए, आतंकवादियों को भेजे, इस हमेशा एक अवसर ढूंढता है कि किसी प्रकार यहाँ से घुसपैठिए भेजे ताकि जम्मू कश्मीर में जो है शांति भंग की जाए। लेकिन हमारे बहादुर बीएसएफ के जवान जो है 2400 घंटों यहाँ पर निगरानी करते हैं और पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे समूचे देश को, क्या संदेश देंगे? इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं पूरे देशवासियों को और इस कोरोना के महामारी से निपटने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हूं और जब तक जीवित हूं तब तक अपना देश की सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात रहूंगा सर। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा इस ताक में रहता है कि भारत को कोई नुकसान पहुंचा सके, और अगर मौका 15 अगस्त यानी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस का हो तो फिर और भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे में सीमा पर तैनात जवान ड्रोन की सहायता से दुश्मन की हर चाल पर चौकन्नी नजर रख रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, देशभक्ति की भावना के साथ मना रहा है। और यहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई है, क्योंकि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो इसको लेकर काफी चिंता रहती है सुरक्षा एजेंसियों को कि पाकिस्तान कोई दुस्साहस ना करे। और यहां पर आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देख सकते हैं कि हमारे बहादुर बीएसएफ के जवान जो है निगरानी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी का भी जो है प्रयोग किया जा रहा है यहां पर सीमा पर निगरानी करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो ड्रोन्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। और यहां पर सीमा का जो ये स्थान है, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो स्थान है, काफी जो है ये चुनौतीपूर्ण जगह है, इसको इसकी निगरानी करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है, जो गैजेट्स हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ड्रोन जो है, ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल के जो जवान हैं काफी चौकसी कर रहे हैं यहां पर। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, और न केवल बीएसएफ के जवान बल्कि ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है निगरानी के लिए। और ये जो अलग अलग इलाके यहां पर नदी के पास, इन झाड़ियों के पास, ये पूरे इस एरिया को कवर करता है, और कैमरा के जरिए वहां पर फुटेज देखी जा सकती है मॉनिटर में। तो बीएसएफ के जो जवान हैं अब टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर रहे हैं, और आज स्वतंत्रता दिवस है, समूचा देश काफी देशभक्ति की भावना से आज स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। और यहां पर बीएसएफ के जवान जो है मुस्तैद है, दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तैयार है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो बीएसएफ के जवान उनको मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। क्योंकि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो काफी इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों में चिंता होती है, लेकिन बीएसएफ के जवान मुस्तैद है, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोन्स का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। सुबह सुबह पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद चीन और पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। पीएम ने लाल किले की प्राचीर से हुंकार भरते हुए चीन और पाकिस्तान को ललकारा और कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी हमें आंख दिखाई है, हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखाई दे रही है। यहां भी देश के जवानों ने तिरंगे की आन बान शान के लिए देश पर मर मिटने की सौगंध खाई। और ये भी बड़ी ही देशभक्ति भावना के साथ यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में, और अभी थोड़ी देर पहले ही आज स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ पर जो बीएसएफ जवान जो तैनात है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उन्होंने यहाँ पर तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान भी गाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो हमारे बहादुर बीएसएफ जवान हैं उन्होंने तिरंगा लहराया। मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाएं। यहीं पर उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान भी गाया। यही तिरंगा जो देश की आन बान शान, अस्मिता, संप्रभुता, एकता का प्रतीक है, इसी के नीचे नतमस्तक होकर यहां पर हमारे बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आज स्वतंत्रता दिवस मनाया, राष्ट्रगान गाया। क्या संदेश देंगे देश को? देश को ये संदेश देंगे देशवासियों को, इस कोरोना में अपने अपना ख्याल रखें। बाकी देशवासी देश के लिए हम जगे हुए हैं और देश सुरक्षित है। जब तक हम जगे हैं इस देश के ऊपर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, कर्म अपना करेंगे हर कर्म वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जब जब दुश्मन देश ने आंख दिखाई है तब तब देश के जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। पीएम मोदी भी जब मौका पाते हैं तब देश के रण बांकुरों के साहस और शौर्य को सलाम करने से नहीं चूकते। चाहे वो लद्दाख की धरती पर पीएम मौजूद हों या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करने का मौका। जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? परमजीत सिंह। अच्छा, आप कोई देशभक्ति गीत गाना चाहेंगे? नहीं होता। अच्छा, कुछ विचार रखना चाहेंगे आज के दिन, आज स्वतंत्रता दिवस है? हम बहुत खुश है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इधर, बहुत अच्छा है। देश को क्या संदेश देंगे? देश को यही संदेश देंगे कि कोरोना से बचें,
देश की सुरक्षा करने के लिए हम सीमाओं पे जाग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएसएफ के जवानों का जज्बा सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और साथ ही में देशवासियों को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस का समय है, सबको एहतियात बरतने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बीएसएफ के जवान हैं जो कि यहाँ पर ध्वजारोहण समारोह में आए हैं, मास्क पहने हुए हैं, तो ये भी खुद भी जो है सारे जो प्रिकॉशंस है, एहतियात है, वो बरत रहे हैं। और साथ ही में देशवासियों को भी संदेश दे रहे हैं कि इस समय सबको स्वस्थ रहना चाहिए, सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और जहां तक सीमा की बात है, उसके लिए देश को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये यहां पर सीमा पर डटे हुए हैं। और अगर दुश्मन कोई भी हिमाकत करता है, कोई भी दुस्साहस करता है, तो ये उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सांबा, आज तक। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।